विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुंजा भद्र में ममता राकेश के जो पुत्र हैं अभिषेक राकेश, वो भी भाई घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट कीजिए। और अब स्वयं जो मुझे तो राकेश से जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे दैनिक रुड़की के माध्यम से? आप देखिए, आप भी दैनिक रुड़की चैनल हमारा बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में, क्योंकि आप सच दिखाने का काम करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस समय हम लोग कुंजा बहादुरपुर गांव में हैं। कुंजा बहादुरपुर गांव में जो भी काम है, या तो मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मंत्री पद उन पर था तब का करवाया हुआ, या आज हमारा करवाया काम है। आप देखिए, शहीदों का गाँव, मैं इसे नमन करती हूँ कुंजा बहादुरपुर की सरजमी को। कुंजा बहादुरपुर में हमारा शहीद राजा विजय सिंह पार्क है, इसका सौंदर्यकरण स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने कराया था। इसमें विद्यालय है हमारा, इस इंटर कॉलेज है शहीद राजा विजय सिंह इंटर कॉलेज, इसमें एक कमरा मैंने विधायक निधि से बनवाया है। इसके बाहर अगर आप आएंगे बाहर की तरफ, भगवान शनिदेव का मंदिर, इसका सौंदर्यकरण का कार्य मेरे द्वारा कराया गया है। शहीद राजा विजय सिंह इंटर कॉलेज में मॉड्यूलाइज किचन का काम भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन के सहयोग से लगभग 1.5 करोड़ का मॉड्यूलर किचन का काम वर्तमान में चल रहा है। इसके अलावा सड़कें और बनी हुई हैं गांव में, तो विकास कार्य की कहीं कोई कमी नहीं है। मैडम सिगड़ा गांव में भी गए हम और लोगों के गांव में गए, तो कई लोग बोलते हैं विधायक जी ने काम तो यहां पे कराया, लेकिन उस तरीके से मैडम यहां पे लोगों को पूछती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो देवर और भाभी एक है, आपस में बस जनता का बेवकूफ बना रहे, तो उस बारे में क्या कहें? मैं आपको बता देता हूं, देखिए देवर भाभी की नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है। हम काम करते हैं विकास के और भाईचारे के मुद्दे पर काम करती है कांग्रेस पार्टी। मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने हर वर्ग को साथ लेकर के चलने का काम किया और सर्व समाज के लिए काम किया, सर्व समाज का सम्मान करने का काम किया, चाहे उसमें हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे गुजर समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे हमारे कश्यप समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे दलित समाज हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सर्व समाज का जो काम करता है वही नेता होता है। आपने बात कही कि कुछ लोग कहते हैं ममता राकेश काम नहीं करती, आज भी चुनाव आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले मेरे काम सैंक्शन हुए और आज भी सिकरोडा गांव में मेरे कार्य चल रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सिकरोडा गांव बड़ा गांव है, वहाँ जल निकासी की समस्या है। मैं लिस्ट हैं, वो दिखा रही थी इंटर कॉलेज, मैं जानती हूँ कि हमारा गर्ल्स इंटर GGIC सिकरोडा, जिसमें एक कमरा मेरी विधायक निधि से बनवाया गया है अभी, और सिकरोडा गाँव में हमारा जो इंटर कॉलेज है बॉयज़ का, लड़कों का, उसे आदर्श विद्यालय बनाने का काम, अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का काम हमने कहा। बात हम विकास के मुद्दे के ही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यही क्वालिटी है कि वो विकास के मुद्दे पर बात करती है। जिस सड़क को वो दिखा रही थी अपने चैनल के माध्यम से, उस सड़क पर 3 बार जिला पंचायत निधि से और माननीय राज्यसभा सांसद राज बब्बर जी उस समय थे उनकी निधि से काम कराया गया और मेरी विधायक निधि से भी काम कराया गया है। लेकिन सिकरोडा गाँव बड़ा गाँव है और वहाँ जल निकासी की प्रमुख समस्या है, जिसका काम मैं दावे के साथ कहती हूँ इस बार हमारी सरकार बनने के बाद में वहाँ प्रॉपर वे में वहाँ नाले भी बनेंगे और सड़क तभी रुकेगी जब वहाँ गाँव में जल निकासी की व्यवस्था होगी। तो इस ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ पे आज आप पहुँची हैं कुंजा भद्रपुर में, यहाँ से कितने मत ले जाने का आप करते हैं? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवानपुर विधानसभा के लोग बहुत सम्मानित हैं, आदरणीय हैं और बहुत जागरूक जनता है। अब आप कुंजावासियों से पूछिए कि वो पूरी तरह से मुझे मतदान करने का काम करेंगे या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से पहले मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को इनका सहयोग रहा और मुझे भी 2 बार चुनाव में इन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया, इस बार भी कुंजा बहादुरपुर की सम्मान्य जनता भगवान विधायक ममता राकेश कांग्रेस प्रत्याशी को अपना पूरा समर्थन आशीर्वाद देने जा रही है। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो लोग पिछली बार सुबोध राकेश जी से हटके आपके पास चले गए थे, अब वो लोग फिर से उस तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? सॉरी रिपीट, मेरा कहने का मकसद यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे वो लोग अब फिर से वहीं चले गए, उस चीज़ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब अभी आपने बात की मेरे देवर की, देवर भाभी की जंग की, अब एक भाभी और दो देवर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्टियां बदल बदल के लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना भगवानपुर विधानसभा की जनता बहुत सम्मानित है, जागरूक है, वो जानती हैं कि चाहे कोई पार्टियां बदल के आ जाए, पार्टियां दल बदलों पे ये लोग विश्वास नहीं करते। इन्हें पता है कि ममता राकेश और अभिषेक राकेश 24 घंटे इनकी सेवा करने को तत्पर रहते हैं, इनके बीच में रहते हैं और विकास के मुद्दे पर काम करते हैं। अच्छा, एक आंटी जी ने हमें कहा था भाई अगर आपसे ममता राकेश मिले एक मैसेज दे दी, बुजुर्ग महिला थी, कह रही कि भाई उन्हें कह दिया ढोल तो एक ही दरवाजे बजेगा,
ममता राकेश सुबोध राकेश ऐसे बोल रही थी वो, कह रही वहाँ की सड़कें बनाई नहीं, मेरी सड़कें बनवा दो उनकी सड़कें। देखो मैं कहती हूँ कि देखिए हो सकता है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो विकास हो सकता है ना वहाँ पहुँच पाया हो, लेकिन मैं उन सम्मानित बुजुर्ग महिला से निवेदन करना चाहती हूँ कि ढोल तो देखिए बाबूजी कलीराम राकेश जी मेरे पति के भी पिता रहे, तो मेरे लिए सम्मानित हमारी जड़ हैं, उनका हम उनके बच्चे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम काम करेंगे, जो जनता की इच्छा होगी, जनता का फैसला सर्वमान्य होगा, जो जनता का फैसला होगा मान्य। तो ये थी हमारे साथ ममता राकेश, जिन्होंने बताया कि भाई विकास के काम पर वोट मांगने का काम करती है कांग्रेस, ना कि जात बिरादरी पर। साफ तौर पे कह रही है भाई ढोल तो कहीं भी बजे, लेकिन पहले होगा विकास।